फ्रेंड्स, जब भी आप लोग इकोनॉमिक सेंसस करने के लिए किसी ब्लॉक में जाओगे, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इकोनॉमिक सेंसस करने के लिए, आर्थिक गणना करने के लिए इस प्रकार का एक मैप मुहैया किया जाता है। इसमें बहुत सारे ब्लॉक बने हैं, आपको एक सिलेक्टेड ब्लॉक मिलेगा। माना आपको ब्लॉक नंबर 2 मिला, आपको ब्लॉक नंबर 2 का गणना करनी है, इसमें कितने आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं। सबसे पहले जब आप अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में पहुंचेंगे, तो आपको देखना है कि जो आपको एरिया दिया गया है वो सही है या नहीं है। इसके लिए आपको अपने BA2A जो कॉर्नर पॉइंट है, या तो ये नाम के द्वारा बताया गया होगा, या हो सकता है इसमें इस कॉर्नर में रहने वाले का नाम लिखा होगा या नंबर लिखे होंगे। आपने यहाँ से शुरू करते हुए BA6 देन A9 देन BA4 होते हुए 2A में पहुँचना है। जब आप ये सब चीज़ें कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरा यही ब्लॉक जिसमें मुझे आर्थिक गणना करनी है ठीक है, तो आप काम शुरू करेंगे। या ये भी हो सकता है कभी कभी इस ब्लॉक के कॉर्नर नंबर न मिले आपको, मे भी ऐसा हो सकता है कि ये नंबर मिट गए हों, नाम का पता ना हो, तब उस परिस्थिति में आपको उसके सराउंडिंग ब्लॉक को भी देखना है। सपोज BA6 आपको नहीं मिला, इसकी जगह कोई और नंबर हो गया, तो आपने मेन जो पालम रोड है, यस पालम मार्ग आपका आइडेंटिफाई हो रहा है, उसके बगल में आपको A2 हाउस नंबर अगर मिल गया, तो हो सकता है कि ये BA6 ब्लॉक किसी कारण से मिट गया हो या उसके ओनर ने उसको चेंज कर दिया हो, तो इसका मतलब आपके ब्लॉक की पहचान सही हो गई है। अब आता है हमारा क्वेश्चन, इस ब्लॉक में कितनी आबादी होगी, कितने घर होंगे या कितने इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। इसके बारे में भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने एक UFS जो किया है उसका Part 2 है, वो भी आपको दिया जाएगा। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस ब्लॉक में 150 हाउस होल्ड हैं, क्योंकि हमने एस्टिमेट हाउस होल्ड की गणना भी उस पार्ट में की है। तो एक आपको एक रफ आइडिया लग गया कि इस क्षेत्र में 150 हाउस होल्ड थे। आज की डेट में वो कम भी हो सकते हैं, वो बढ़ भी सकते हैं। कम कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि कुछ हाउस होल्ड डेमोलिश कर दिए गए हों, कुछ हाउस होल्ड टूट गए हों, या कुछ घर यहाँ से छोड़ कर चले गए। ये बढ़ भी सकते हैं। बढ़ेंगे कैसे? कोई सिंगल स्टोरी डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, तो हाउस होल्ड की गिनती बढ़ जाएगी। अब आपका जो मेन काम है, जो मेन फोकस है, जो मेन आपने चीज करनी है, वो है इकोनॉमिक सेंसस। उसके लिए हम पहले भी आपको बता चुके हैं आपने कैसे उसमें रन करना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपको दिखाया गया है इस मैप में, आपने नॉर्थ वेस्ट का इंडिकेशन सारे हमारे मैप्स में मिलेगा आपको। आपने नॉर्थ वेस्ट से शुरू करते हुए टूवर्ड साउथ को बढ़ना है, यहाँ से शुरू करते हुए आपने साउथ की तरफ बढ़ना है। इस पोजीशन में हो सकता है कि आपको ब्लॉक टेढ़े मेढ़े मिले, हो सकता है ब्लॉक बहुत सही मिल जाए, सीधे साधे मिल जाए, तो आपने साउथ की तरफ बढ़ते हुए टूवर्ड्स सर्पेंटाइन ऑर्डर में देन ऊपर देन नीचे, यह पोजिशन एक्यूरेट नहीं भी हो सकती है। क्षेत्र के हिसाब से, एरिया के हिसाब से आपने इसको अपने अनुरूप सरकारी नियमानुसार सही तरीके से हर घर को सूचीबद्ध करते हुए, हर घर की गणना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इसके बीच में कभी आपको टेंपल मिलेंगे, आपको टेंपल का इंडिकेट करना है, स्कूल मिलेगा आपको स्कूल का इंडिकेट करना है, या इस प्रकार के कुछ और स्ट्रक्चर मिलेंगे वो आपने शो करने हैं, ताकि
जब भी आपका इंस्पेक्शन किया जाएगा, जब भी हायर अथॉरिटी आपको इस ब्लॉक में देखने के लिए आएगी, वो आपको देख सकती है और पहचान सकती है कि आपने जो काम किया वो सही किया या नहीं। थैंक यू।